हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट पीसी एबी पीसी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल की कीज खराब हो चुकी हैं तो भी आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप हमारी नई नई वीडियोस देख पाएंगे और नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके मोबाइल की कीज़ ख़राब हो चुकी हैं तो भी आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल पर और आपको वहाँ पर करके दिखाता हूँ कि अगर आपके मोबाइल पर बैक, होम या फिर मेन्यू बटन ख़राब हो चुकी हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको मोबाइल पर ले चलता हूँ और मोबाइल पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे मोबाइल है और मैं इस पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर पर, तो चलिए मैं प्ले स्टोर पर चलता हूँ। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सिंपल कंट्रोल। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपल कंट्रोल, यहाँ पर 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके और 4.1 की रेटिंग है इसकी, यानी कि ये गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है और 1 मिलियन डाउनलोड है, इसलिए आप जान सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर अनइंस्टॉल और अपडेट बटन आ रही है, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है मैंने इसे डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, लेकिन ये अभी अपडेट मांग रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल की बटन मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से अपने मोबाइल पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस एप्लीकेशन पर और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे एक्टिवेट करना है इसके जो होम बटन, मेन्यू बटन और बैक बटन है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको ओपन करना है अपने मोबाइल पर इस एप्लीकेशन को। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपल कंट्रोल को ओपन कर लेता हूँ। सिंपल कंट्रोल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा या फिर गो टू एक्सेसिबिलिटी में आ जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में इसके जो सिंपल कंट्रोल है इसे आपको ऑन करना है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है इसलिए आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में इसको एक्सेस देना पड़ेगा। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए इसे ऑन करने के बाद और बैक आ जाइए। हालांकि ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको बैक ले आएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर आप बैक जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इसकी जो बटन्स हैं उनके लुक्स भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल का कंट्रोल बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा साइज देना चाहते हैं या फिर वॉटिंग एक्टिवेटर क्लिक एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके से काम करता है, यानी अगर आप वर्टिकल लगाना चाहते हैं तो ये आपके साइड में आ जाएगा ये कंट्रोल, और अगर हॉरिजॉन्टल लगाना चाहते हैं तो ये आपके मोबाइल के डाउन में रहेगा। तो इस तरीके से आप बिना किसी भी बटन के आप अपने मोबाइल पर इस कंट्रोल को इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने मोबाइल को बिना किसी बटन के एक्सेस कर पाएंगे। कभी कभी अगर हमारे मोबाइल पर इस तरह की दिक्कत आ जाती है तो ये एप्लीकेशन काफ़ी मदद करेगा हमें अपने मोबाइल को एक्सेस करने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल आ चुके हैं और हालांकि मेरे मोबाइल पर ऑलरेडी बटन है, लेकिन अगर आपके मोबाइल पर काम नहीं कर रहा है तो आप इस कंट्रोल का इस्तेमाल करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लॉन्चर भी आ रहा है और बैक बटन भी आ रही है। उसके बाद अगर आप इसके रीसेंट ऐप देखना चाहते हैं तो आपको साइड वाली बटन पर क्लिक करना है, आपकी जो रीसेंट ऐप्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रीसेंट ऐप्स हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल कंट्रोल का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने मोबाइल को बिना किसी बटन के भी एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि आपको अपने मोबाइल के किसी भी बटन को छूने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल कंट्रोल आपकी पूरी मदद करेगा।
अगर आपको इसे बंद करना है तो आप सीधा ऐप पे चले जाइए। ऐप पर जाने के बाद इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल कंट्रोल मैंने बंद कर दिया था, ये फिर से ऑन मांग रहा है, तो मैं चलिए इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये सीधा आपको आपके एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देता है, यानी आपको बैक बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधा आपके एप्लीकेशन में ले जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई अपनी बटन साइज या फिर बटन का लुक चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर उसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप पर बटन चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ढेर सारी बटन्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं एक बटन के रूप में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल ऑल अबाउट पीसी एबीपीसी पर जाकर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बाकी वीडियो और सीखते रहिए नई नई चीज़।